अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफिक्स के वीडियो सबसे पहले। प्रकाश सिंह बादल का जन्म एक जमींदार किसान परिवार में हुआ था। वो ढिलोन जाट वंश के वंशज है। उन्होंने लाहौर पाकिस्तान में एक कॉलेज में पढ़ाई की। 2015 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1959 में उन्होंने सुरेंद्र कौर से शादी की। इस दंपति के दो बच्चे सुखबीर सिंह बादल और पनीत कौर है, जिनकी शादी आदेश प्रताप सिंह केरन से हुई है। सुरेंद्र कौर का कैंसर के कारण लंबी बीमारी के बाद 2011 में निधन हो गया था। उनके छोटे भाई गुरदास सिंह बादल भी राजनीति में थे। उनके भतीजे मनप्रीत सिंह बादल ने पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कार्य किया। प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की आयु में 25 अप्रैल 2023 को पंजाब के मोहाली में निधन हो गया। वो पहली बार भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे। कुछ साल बाद उन्होंने पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ मतभेदों को लेकर भारत राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी और शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए। 1970 में 43 वर्ष की आयु में वो किसी भी भारतीय राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। वो 1969 से 2012 तक बार बार पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पद भी संभाला। वो किसी भी भारतीय राज्य के सबसे उम्रदराज मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड बनाया। वो 1996 में SAD के अध्यक्ष बने और 2008 में उनके बेटे सुखबीर सिंह बादल द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। उन्हें दुनिया भर में सबसे शक्तिशाली सिख नेताओं में से एक माना जाता है।